हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट एटीआई। मैं इंजीनियर इरफान अंसारी। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो हमारा न्यू चैप्टर है दोस्तों, तो हम लोग पिछले क्लास में दोस्तों ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ चुके थे। दोस्तों ग्राइंडिंग के बारे में बताया, उसके पार्ट्स के बारे में बताया, कितने प्रकार होते हैं, कैसे ग्राइंडिंग व्हील बने होते हैं, और उससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया दोस्तों, और उससे कुछ जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उससे कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैं कोशिश करूंगा इसके बाद में वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गेज। तो दोस्तों जो गेज है दोस्तों, ये एक प्रकार का दोस्तों ये चेकिंग उपकरण। कैसा उपकरण है? चेकिंग उपकरण। चेक मतलब कि किसी चीज को क्या करना, चेक करना। जैसे कि ये पेन का दोस्तों ये ढक्कन है दोस्तों, तो ये इसके होल को चेक करना दोस्तों कि ये एक्चुअली में कितना साइज का बना है दोस्तों। तो ये जो गेज होता है दोस्तों, इसका मेनली काम वही होता है दोस्तों कि किसी होल को चेक करना। क्या करना? किसी होल को चेक करना, ठीक है। तो पहले जा रहे हैं ये दोस्तों कि गेज जो है वो हमको बनाने का आवश्यकता क्यों पड़ा है, क्यों बनाया इसको। तो दोस्तों इसको बनाने का आवश्यकता इसलिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री में दोस्तों हर तरह के लोग काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी जगह सभी मतलब सभी लोग पढ़े नहीं होते दोस्तों। तो माइक्रोमीटर से कोई भी चीज को, कोई भी पार्ट को मापना, सेट करना, उसको देखना सबके लिए पॉसिबल नहीं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि जब कोई लोग जो कम पढ़े लिखे होते दोस्तों, तो उससे वो मेजर करने में उसे परेशानी होती थी दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा कमी आता था, ठीक है दोस्तों। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए दोस्तों हमने क्या बनाया, एक गेज बनाया दोस्तों। कि क्या करता है वो, उसे एक फिक्स आकार में दोस्तों बनाया जाता है दोस्तों। सिर्फ उसका काम क्या होता है दोस्तों, जॉब में लगाकर उसे सिर्फ चेक करना होता है दोस्तों कि वो हमारा जो जॉब बना है वो सही बना है कि नहीं बना है दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड हम जानेंगे दोस्तों कि गेज क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में पहले जानेंगे कि गेज एक प्रकार का कैसा उपकरण है, एक चेकिंग उपकरण दोस्तों, मतलब चेक करना, मापना नहीं, चेक करना, ठीक है। फिर इसका प्रयोग कहाँ था दोस्तों, इसका प्रयोग जनरली करते हैं दोस्तों हम लोग मास प्रोडक्शन में। कहाँ पे? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन उसको बोलते हैं दोस्तों जब एक ही प्रकार के जॉब या पार्ट्स या पुर्जे अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, मतलब एक से अधिक, मतलब 10-15, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जब हम बनाते हैं दोस्तों, तो उसी को हम लोग मास प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर गेज का जो यूज है दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों इससे पहले कि हम लोग गेज क्यों बनाए हैं। गेज हम लोग इसलिए बनाए हैं दोस्तों, इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि गेज का जो यूज है दोस्तों, वो पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, जो सेमी स्किल है, जो जिसके पास जो कम पढ़े लिखे भी है वो भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, गेज का यूज हम सेमी स्किल वर्कर भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गेज का यूज सेमी स्किल वर्कर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और गेज को जो है वर्कशॉप में इसको 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है दोस्तों। 20 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए रखा जाता है दोस्तों ताकि उसके जो मटेरियल में किसी प्रकार का हीट के दौरान कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है दोस्तों। उसके मतलब उसको मतलब किसी प्रकार का उसके मटेरियल में लंबाई या मतलब गर्मी से वो बढ़ ना जाए, ठंडा से वो सिकुड़ ना जाए दोस्तों, समझे दोस्तों। तो उसके लिए एक निश्चित एक टेम्परेचर होता है दोस्तों, उसको 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि गेज क्या है दोस्तों, एक प्रकार का चेकिंग उपकरण दोस्तों, ठीक है। कैसा? चेकिंग मतलब चेक करने वाला, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद गेज का प्रयोग जो होता है मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। मास प्रोडक्शन क्या? मास प्रोडक्शन उसको बोलते हैं दोस्तों जो या फिर जिस फैक्ट्री में एक ही प्रकार के, एक ही आकार में अधिक संख्या में जो बनाए जाते हैं, तो उसे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। गेज का यूज जो है वो सेमी स्किल वर्कर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और गेज को वर्कशॉप में हम 20 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब हम जानेंगे आजकल हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे कि जो गेज जो होता है उसका मटेरियल वो किस मटेरियल का बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ गेज मतलब गेज का जो मटेरियल होता है दोस्तों, वो जनरली हम बनाते हैं एलॉय स्टील का। एलॉय स्टील क्या होता है? एक अच्छा स्टील होता है दोस्तों, ठीक है, एक उत्तम किस्म का स्टील होता है दोस्तों। तो हम लोग किससे बनाते हैं जनरली?
आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ये गेज जो होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, वो एलॉय स्टील का या एलॉय धातु का बनाया जाता है, ठीक है। तो और ये भी पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि गेज जो है वो किसको मदद करता है दोस्तों, वो होल को मदद करता है दोस्तों, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जानेंगे इसके प्रकार के बारे में, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गेज। क्या टाइप्स ऑफ गेज? टाइप्स ऑफ गेज है ना, टाइप्स ऑफ गेज। तो दोस्तों मतलब गेज के प्रकार, तो गेज के प्रकार तो ऐसे दो प्रकार के आते हैं गेज में, इसको दो बराबर भाग में बांटे हैं। एक को बोलते हैं लिमिट गेज, लिमिट प्लग गेज, दूसरे को बोलते हैं लिमिट स्नैप गेज, ठीक है दोस्तों। जो लिमिट प्लग गेज जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग फिक्स टाइप भी बोलते हैं, मतलब जो उसमें गेज होता है दोस्तों, उसका जो आकार के हम लोग जो बनाते हैं वो एक ही आकार का रहता है दोस्तों। मान लीजिए उसका साइज हम कोई निश्चित आकार का बनाया है 50 mm को, मान लीजिए उसका आकार 50 mm है, तो 50 mm तक ही वो जॉब को मेजर कर सकता है दोस्तों, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। और दूसरा हमारा है लिमिट स्नैप गेज, ये क्या होता है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो मतलब उसको एडजस्टेबल, मतलब उसको एडजस्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आसान भाषा नहीं है, फिक्स मतलब जो आकार में बना है वो वही आकार का जॉब को चेक कर सकता है। अनलिमिटेड स्नैप गेज क्या है कि इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि लिमिट प्लग गेज के अंदर कितने प्रकार होते हैं। लिमिट प्लग गेज के अंदर जो होते हैं दोस्तों, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेपर प्लग गेज, दूसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तीसरा है थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। और इसमें आते हैं लिमिट स्नैप गेज में ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें भी मेनली 4 से 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, या उससे अधिक भी होते हैं, किसी किसी बुक में कम, किसी किसी बुक में ज्यादा रहते हैं। तो इसमें जो दिए हुए थे तो मैंने उतार दिया। तो जनरली जो होता है इसमें दोस्तों, रिंग गेज होता है, रेडियस स्नैप गेज होता है, इस रेडियस को फिलेट गेज भी कहते हैं दोस्तों। रेडियस और फिलेट गेज दोनों एक ही नेम है, एक ही नाम है, ठीक है दोस्तों। और फिलर गेज और गेप गेज, ठीक है दोस्तों। तो ये किसके प्रकार है, ये लिमिट स्नैप गेज के प्रकार है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं कह रहे ये चाहूंगा कि हमारे जो सिलेबस में जो जिसके बारे में पढ़ना है वो रेडियस और फिलेट गेज है और फिलर गेज के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। हमारे सिलेबस में टेपर प्लग गेज या फिर लिमिट प्लग गेज या फिर थ्रेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो हमको सिर्फ रेडियस, फिलेट गेज और फिलर गेज के बारे में दोस्तों जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो डायग्राम हमने जो दिया दोस्तों, ये लिमिट गेज का दोस्तों मतलब ये वाला है, इसका यूज कैसे है दोस्तों, मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये होल है, ये मैं फिक्स ऐसी से किया ना, ये फिक्स होल है, क्या है ये होल है दोस्तों, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। और ये क्या है, ये जो है ये पार्ट जो है ये होल को अंदर डाले दोस्तों। इसका एक पार्ट गो साइड होता है और दूसरा साइड जो होता है वो नो गो होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक साइड गो, दूसरा साइड नो गो। गो को मतलब जाना, इसी को बोलते हैं कि गो जाओ। तो एक साइड जो होता है इसका ये गो कहलाता है, दूसरा साइड इसका नो गो, मतलब वो नहीं जाएगा वो। तो क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी होल लेता है, मान लीजिए होल है ये होल है, ठीक है। इसका अंदर से मुझे डालना, चेक करना है कि ये मेरा जो जॉब बना है ये सही आकार का है कि नहीं है। तो जब इसको हम गो वाला सिरा जब इसमें डालेंगे दोस्तों, जब ये चला जाएगा तो हम समझेंगे कि ये जो जॉब है हमारा सही है। और जब दूसरा सिरा इसमें डाल के देखेंगे, जब ये नहीं जाएगा तो हम समझेंगे कि सही है, मतलब ये गो वाला सिरा इसमें चल जाए और नो वाला सिरा इसमें नहीं जाए, तो ही समझें कि ये जो पार्ट जो हमारा बना है वो सही बना है। गो को मतलब गो मतलब चल जाए, मतलब गो वाला जो पार्ट है, जो बाहरी पार्ट है, ये जॉब के अंदर चल जाए। और जो नो गो वाला है दोस्तों, इसका जो बाहरी पार्ट है इसमें आके
मतलब कहीं ठेके, मतलब कहीं इसको रोके, हम क्या समझेंगे कि हाँ जो मेरा पार्ट बना है ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब गो को और नो गो को फॉलो कर रहा है। गो मतलब जाना, नो गो मतलब नहीं जाने दोस्तों। तो इसका मेनली यही यूज है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया दोस्तों हमको इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको रेडियस या फिलर गेज पढ़ेंगे और फिलर गेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि रेडियस गेज जो होता है वो फिलर गेज दोनों एक ही ना एक ही नेम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रेडियस और फिलर गेज अलग अलग है। तो दोस्तों जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इसके बाद, या इसमें मैं इसमें या इसमें ही जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उससे अभी बना के आपको दूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो जो भी अभी हम लोग ने गेस से जो भी टॉपिक कवर किए दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके मटेरियल के बारे में और उसके टैक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हम जानेंगे कि इतना जो हमने अभी कवर किया है उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उससे मतलब उतने टॉपिक में एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि गैस किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछता है दोस्तों कि गैस जो है वो किस प्रकार का उपकरण है, मतलब प्रकार किस टाइप का है, मतलब उसको मापते हैं, चेकिंग करते हैं कि मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गेज जो है वो एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, कैसा है, चेकिंग उपकरण है, जिससे क्या करते हैं हम लोग किसी भी हॉल को, हॉल के साइज को मापते हैं कि जो हमने जिस साइज में हमने बनाया है वो सही साइज है कि नहीं है। तो मेनली इसका इस्तेमाल किस प्रकार के उपकरण के लिए करते हैं, इसको चेकिंग उपकरण के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, गेज हिंदी में मैं लिख दिया, गेज को प्रयोग करते हैं। गेज को प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों, मतलब गेज को प्रयोग करते हैं क्या, गेज का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, क्या मापने के लिए, गेज का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, क्या मापने के लिए, लेंथ मापने के लिए, सॉरी चेक करेंगे दोस्तों, सॉरी चेक करेंगे, प्रयोग करते हैं चेक, क्या चेक करने के लिए, चेक करने की लेंथ चेक करते हैं कि थिकनेस चेक करते हैं कि होल चेक करते हैं कि नॉन ऑब्वियस। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया कि गेज एक प्रकार का क्या है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या चेक करता है, होल को चेक करता है कि कोई होल, कोई जगह का होल है मेरा, उसको ये होल जो है मान लीजिए इसका 50 mm डायमीटर है, तो इसका जो डाया है जो साइज है वो 50 mm है कि नहीं है, वो क्या करते हैं उसमें डाल के उसको एक, वो भी क्या रहता है, वो भी 50 mm का ही होगा, तो उसमें हम डाल के चेक करेंगे हाँ प्रॉपर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है तो हमारा सही है, नहीं आ रहा तो हमारा सही नहीं है। तो क्या करता है वो होल को क्या करता है, चेक करता है दोस्तों, क्या करता है, चेक करता है, सिर्फ चेक करता है, मेजर नहीं करता, सिर्फ चेक करता है कि है कि नहीं है बस, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गेज का प्रयोग करते हैं इसको चेक करने के लिए, होल को चेक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, गेज को किस मटेरियल से बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों कि गेज जो है वो किस मटेरियल से बनाते हैं दोस्तों, किस मटेरियल से बनाते हैं दोस्तों, उसको माइल्ड स्टील से बनाते हैं कि कार्बन स्टील से बनाते हैं, केवीआर स्टील से बनाते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया थ्योरी में कि मटेरियल ऑफ गेज, कि गेज गेज को जो बनाते हैं दोस्तों उसको हम एलॉय स्टील से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एलॉय स्टील से बनाते हैं, ठीक है, किससे बनाते हैं, एलॉय स्टील से बनाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है कि वर्क्स ऑफ गेज को, जो वर्क्स ऑफ गेज किसका बात कर रहा है, जो हम लोग जो गेज हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं वही गेज का बात कर रहा है कि वर्क्स ऑफ गेज को कितने एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों,
परिशुद्धता, कितने अच्छा से परिशुद्धता, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब ना एकदम सही सही है, वही है कि कितने एक्यूरेसी में बनाया जाता है, मतलब जो हम गेज बनाते हैं दोस्तों, तो क्या हो वो भी तो एक्यूरेसी में होगा तब तो वो चेक कर पाएगा दोस्तों, तो उसको भी हम क्या करते हैं एक्यूरेसी में मेजर करते हैं, बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो जो बना होता है जिस एक्यूरेसी में वो बना होता है दोस्तों, वही एक्यूरेसी आपको यहाँ बताना है कि कितने एक्यूरेसी में वो बना होता है। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए में 0.0025 mm, बी में 0.025 mm, सी में 0.50 mm, और डी में नॉन ऑफ दिस, या इनसे कोई नहीं। तो दोस्तों ये याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जो हम लोग गेज बनाते हैं दोस्तों उसका जो एक्यूरेसी होता है दोस्तों वो 0.0025 mm होता है दोस्तों, कितना होता है 0.0025 mm होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, गेज को, किसको, गेज को वर्कशॉप में कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, मतलब जो हम लोग गेज वर्कशॉप में यूज करते हैं दोस्तों, तो वर्कशॉप में उसको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो वो टेम्परेचर बता रहा है आपको, ए में है 15 डिग्री सेल्सियस, बी में है 20 डिग्री सेल्सियस, सी में 25 डिग्री सेल्सियस, और डी में 30 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि आपको जस्ट अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है कि जो हम लोग वर्कशॉप में जो गेज जो रखते हैं दोस्तों, वो इंट्रोडक्शन में बताया था कि उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि उसके मटेरियल में कोई तरह का चेंजिंग ना हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके क्या कितने डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक गेज था, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, तो मैंने आज आपको ये क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन मैंने दिया दोस्तों उसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे दोस्तों, समझेंगे, और कहीं भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया दोस्तों कि पिछले वीडियो में मैंने ग्राइंडिंग के बारे में बताया था दोस्तों वहां पे, तो बुक में ऑप्शन दोस्तों वहां पे गलत दिया होता, गलत यही था कि जिससे ग्राइंडिंग का जो कटिंग स्पीड था दोस्तों, स्पीड जो फॉर्मूला था, स्पीड जो फॉर्मूला था, ठीक है, उसमें रॉन्ग दिया दोस्तों, मैंने जाकर देखा कि सच में, क्योंकि मुझे कंफ्यूज हुआ कि दोस्तों क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है, तो उसका जो फॉर्मूला था दोस्तों कटिंग स्पीड का, मैं लिख दे रहा हूं, कटिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला था दोस्तों वो होता है पाई डी एन, अगर दोस्तों मीटर ए मिनट पर सेकंड है दोस्तों, तो मिनट पर सेकंड रहेगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा पाई डी एन बाय 1000 मिनट पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। अगर मिनट ना रहे, अगर सेकंड में है, तो सेकंड के लिखा करते दोस्तों, सेकंड के लिखा करते हैं हम, साठ से क्या करेंगे, सॉरी हाँ साठ से क्या करेंगे उसको, मिनट पर, सॉरी मीटर पर सेकंड, सॉरी मिनट पर एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों तुम्हें बता रहा था कि मैं जो पिछले क्लास में मैं आपको ऑप्शन वाइज जो मैं क्वेश्चन तैयार रहा था, तो वहां पे मैं बताया था कि ग्राइंडिंग कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है मीटर पर मिनट में, वो होता है कटिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कि पर मिनट में कितना मीटर वो ग्राइंडिंग कर सकता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो पाई डी बाय 1000 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर एक सेकंड में पूछ ले तो क्या होगा, सेकंड में जो ऊपर में वही सेम रह जाएगा पाई डी एन, ठीक है, बाय 1000, ये मिनट को अगर सेकंड, ये मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी चीज बड़ा चीज को, मतलब मिनट क्या है सेकंड से बड़ा है,
उसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 से गुणा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे मतलब ये पर है ना, ये बटा में दोस्तों, तो मतलब टाइम का नीचे शो कर रहा है, तो क्या करेंगे 60 नीचे से गुणा कर देंगे, किस पे चला जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में हो इतना मीटर तक क्या कर देगा ग्राइंड कर देगा कटिंग स्पीड से, मतलब उसका ये फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब अगर उसका डायर दिया हुआ है, उसका कटिंग स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो उसमें से निकल जाएगा कि अगर किसी व्हील का डायमीटर इतना है 50 मीटर है कि 50 एमएम है 100 एमएम है, तो पुट करेंगे दोस्तों कि पर सेकेंड में अगर इतना एमएम का डाया इतने एमएम का व्हील जो है अगर हम पर सेकेंड में ग्राइंड करें तो कितना मीटर तक वो ग्राइंड कर सकता है, तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वही फॉर्मूला वहां पर पूछा था कटिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का क्या होता है, अगर मैंने ना पूछते दोस्तों तो आपका आंसर जो आंसर होगा वो पाई डी बाय 1000 होगा, अगर वो सेकंड में पूछ दे तो पाई डी बाय 1000 गुना 60 हो जाएगा, बट्टा बटा में 60, क्योंकि सेकंड देखिए बट्टा में दोस्तों, सेकंड क्या है ये बट्टा में, बट्टा में मतलब क्या गुना करना पड़ेगा, तो बट्टा में मतलब नीचे गुना करना पड़ेगा तो नीचे गुना किए, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर था वहां पे दोस्तों, वहां पे ये एक जीरो नहीं था, 100 था वहां पे, इसलिए मैं सोचा 100 तो नहीं है बस 1000 होगा, तो एक बार मैं क्लियर किया, इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर होने की बात बताया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर समझ नहीं आया दोस्तों कहीं पर भी तो पॉइंट नोट डाउन करके कमेंट करें दोस्तों कि हाँ सर यहाँ पे समझ नहीं आया थोड़ा बता दीजिए, तो मैं हो सकता हूँ वीडियो स्पेशल बना के आपको ये आपका व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है दोस्तों, और जो मैंने क्वेश्चन कराया दोस्तों वो उसको घर पे प्रैक्टिस करें और तैयारी करें अच्छे से दोस्तों एग्जाम का, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।